वीआई कैरेक्टरिस्टिक समटाए हो, लेकिन वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक, ये जैसे जैसे देखें नी वोल्टेज या थ्रेशहोल्ड वोल्टेज जब वो समय है कि जो डिप्लेशन रीजन को तोड़ने के लिए वोल्टेजेस होते हैं जिसको हम थ्रेशहोल्ड वोल्टेजेस कहते हैं, वो वहां तक क्या होता है डायोड में से करंट सही नहीं फ्लो करती, उस लेवल से ऊपर वोल्टेजेस आते हैं तो करंट उसमें से तेजी से चलना शुरू हो जाती है। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस वाला सिस्टम। ये देखिए वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब रिवर्स बायस वाले केस में हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक लेवल तक वोल्टेजेस दें या करंट अप्लाई करें तो कुछ नहीं होता, जब एक स्पेसिफिक लेवल से वोल्टेज ऊपर देंगे तो वो सेमीकंडक्टर है, वो एक वक्त के बाद ब्रेकअप हो जाए, तो इसके अंदर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, ये ब्रेक डाउन रीजन होते हैं, ठीक है। ये सिंपल इसका क्या कहते हैं, ये ऑन स्विच के तौर पर यहाँ इस्तेमाल होता है या ऑफ स्विच के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये वही वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए, ये वोल्टेज मिली एम्पेयर में दिखाया, मिली एम्पेयर में करंट दिखाई गई है और ये वोल्टेज दिखाया गया। देखिए ये फॉरवर्ड वाला रीजन है, ये वाला, ये रिवर्स वाला रीजन, ठीक है। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का ये वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये रिवर्स ब्रेकडाउन, अब ये वाले वोल्टेजेस वो वाले वोल्टेज है जहां ट्रांजिस्टर अंदर में से टूट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद एक वक्त आएगा कि उसके अंदर ब्रेकअप हो जाएगा, तब वो उसके एलिमेंट टूट जाएंगे, तो वो वाले वोल्टेज जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर के अंदर वाले सारे जंक्शन वगैरह टूट जाता है उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेजेस कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेजेस होते हैं। इसी तरह देखिए नेगेटिव साइड पर जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें से हल्की 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 जो करंट है ना उसके अंदर से चलती है, उसको हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा नी वोल्टेजेस जो है जर्मेनियम के केस में 0.3 होते हैं, ज्यादातर सिलिकॉन होता है तो 0.7 आप जरूर मेजर में याद रखें।